हाय हेलो गुड मॉर्निंग सो बॉयज हॉस्टल सो माय नेम इज दलपत चौधरी एंड आई एम अ थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी सिद्दीपेट दैट इज नियर हैदराबाद इन तेलंगाना स्टेट सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट बॉयज हॉस्टल ऑफ जीएमसी सिद्दीपेट सो लेट्स गो सो दिस इज एक्चुअली द फ्रंट फेज एंड दिस इज एक्चुअली ग्राउंड फ्लोर. अच्छा ग्राउंड फ्लोर पे ऐसे जितनी कोई ज्यादा चीजें है नहीं एक्चुअली, दो बैडमिंटन कोर्ट है, उसके अलावा गार्डन है और बेसिकली पार्किंग एरिया. ठीक है सो अच्छा फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं. जो रूम्स वगैरह है वो फर्स्ट फ्लोर से स्टार्ट है. अच्छा लिफ्ट अवेलेबल है, ये एक्चुअली बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है को पांच फ्लोर तक सीढ़ी से चलना. सो अच्छा ये एक्चुअली रूम 104 है, एक्चुअली मेरा ही रूम था. सो अच्छा ये कुछ फिटनेस फिर इसके लिए कोई डबल्स वगैरह पड़ा है. दिस इज द रूम एक्चुअली. ठीक है कबर्ड है, बेड है, विंडो है, पर्सनल लाइक गुड वन. सो ये एक्चुअली चार्ट एक दिन मेरे को थोड़ा जोश आ गया, बस अब फोड़ के रखना है. तो ये एक्चुअली मैंने चार चपेट. अच्छा इसके लिए ये कॉमन एरिया है बीच में. सो ये एक्चुअली गार्डन वगैरह, बैडमिंटन कोर्ट वगैरह है. सो ये एक्चुअली एक मिनी क्रिकेट स्पॉट. अच्छा ये एक्चुअली वॉशिंग एरिया. अच्छा वॉशिंग एरिया इन द सेंस आप यहाँ कपड़े धो भी सकते हो, सुखा भी सकते हो, और अगर आप मेरी तरह आलसी हो तो आप कपड़े धो भी. अच्छा धो भी वगैरह आप उनको भी वगैरह दे सकते हो और वो चार्ज करते हैं समथिंग बिटवीन 450 to 500 जो कि रीजनेबल है. सो अच्छा ये एक्चुअली वॉशिंग एरिया, अपने बर्तन वगैरह धो सकते हो. ये टॉयलेट है इसका, तो आप देख के क्या ही करोगे. और अच्छा इसके अलावा सामने है आरओ प्लांट जहाँ आपने बॉटल वगैरह फिल कर सकते हो. सो अच्छा ये इधर बहुत ही शानदार एक प्रोसेस हो रहा है, ये आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. सो मतलब ठीक है कोई नहीं जो भी है. सो अच्छा उसके अलावा ये एक दूसरा वॉशिंग एरिया. अच्छा वॉशिंग एरिया इन द सेंस एक फ्लोर पे चार वॉशिंग एरिया है, लाइक इतने बंदे एक रूम में चार चार बंदे हैं तो कपड़े तो होंगे ना भाई सुखाने के लिए. अच्छा यहाँ ये एक्चुअली स्पीकर्स वगैरह पड़े कुछ लोगों को, मतलब जब तक गाना नहीं सुने सुबह ऐसे मज़ा नहीं आता है. अच्छा रूम्स में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है ना, रूम में डिफरेंस आता है गर्ल्स हॉस्टल में. किसी के रूम में टेडी बियर पड़े यार, तुम बॉयज हॉस्टल के रूम में टेडी बियर एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते. अच्छा मान लो उनके फ्लोर में अगर पानी गिर गया वो पोछा नहीं लाएगी, वो टेडी बियर से साफ कर. सो अच्छा ये एक्चुअली कॉमन एरिया, एक्चुअली सेकंड लिफ्ट है. ये जो लिफ्ट है ये एक्चुअली बेसमेंट से कनेक्ट होती है, मतलब डायरेक्ट पार्किंग लॉट से, डायरेक्ट पार्किंग एरिया से. सो अच्छा सारे रूम एक जैसे नहीं होते, कुछ दरवाजे को जब बोलते हैं ना भाई दरवाजे खोलना, तो कुछ लोग परमानेंटली खोल के भी रख देते. सो अच्छा ये एक्चुअली थर्ड वॉशिंग एरिया है, और सामने इसमें जो व्यू दिख रहा है वो एक्चुअली मेस है, और उसके उधर है गर्ल्स हॉस्टल है. सो दिस इज बेसिकली ग्राउंड फ्लोर ओनली. सो अच्छा हाफ सेम है, अभी जैसे अपन ने हाफ देखा तो अदर हाफ है वो भी सेम है, सेम वॉशिंग एरिया, सेम आरओ प्लांट है, सेम वॉशरूम्स है. सो लाइक दिस ओनली. अच्छा जो ग्राउंड फ्लोर पे उसमें आपको एक रूम में चार बंदों को रहना है, ठीक है, बट ये नंबर डिक्रीज होता रहेगा जैसे जैसे आप थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर पे जाओगे. सो चलते फटाफट सेकंड फ्लोर पे चलते हैं. ये बहुत ही शानदार फायर एग्जिट, मान लो अगर इसको आपने इमरजेंसी में देख, अच्छा मान लो अगर आपने इसको इमरजेंसी में देख लिया ना एग्जिट, तो पता नहीं कंफ्यूज हो जाओगे भाई जाना किधर है, जाना किधर है. सो दिस इज थर्ड फ्लोर. अच्छा थर्ड फ्लोर पे क्या जो नंबर ऑफ रूम है वो इंक्रीज हो जाएंगे, और जो एरिया पर रूम है वो एक्चुअली डिक्रीज हो जाएगा ना, मतलब कॉमन सेंस है ना. सो ये एक्चुअली फ्रंट व्यू है, ये हमारा कॉलेज है. सो अच्छा यहाँ क्या नंबर ऑफ रूम्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ रूम ज़्यादा है क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे क्या था अगर आपको रूम शेयर करना पड़ेगा तीन और बंदों के साथ, एक रूम में चार चार बंदे, बट थर्ड फ्लोर पे ऐसा नहीं है, वहाँ एक रूम में दो बंदे. और जो लास्ट फ्लोर है ना जो आपको इंटर्नशिप में मिलने वाला है, जब आपको मिलने वाला है पर्सनल रूम, और इवन वो शायद फोर्थ ईयर में मिल जाता है, लाइक जब आप एमबीबीएस की फोर्थ ईयर में हो गए तो तभी वो आपको पर्सनल रूम मिल जाता है लाइक. अच्छा इसके अलावा जो हॉस्टल का जो फीस स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली मैंने एक वीडियो शूट की थी कैंपस टूर की, अच्छा उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप देख लेना. अच्छा उसमें मैंने इंक्लूडिंग बॉयज हॉस्टल मैं इसकी कॉलेज की लाइक एंटायर फीस स्ट्रक्चर बताया, वो भी 5 साल का. सो वहाँ जाकर आप देख लेना, आपको पूरा फीस स्ट्रक्चर का पूरा आइडिया मिल जाएगा लाइक पूरा. सो द थिंग इज अगर ग्राउंड फ्लोर पे तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अगर तीन चार बंदे के साथ है. सो यह हम एक्चुअली थोड़ा सा जूनियर वगैरह के साथ मिलने आ गए, लाइक हेल्दी कन्वर्सेशन यार, मतलब गलत मत सोचो यार, कुछ गड़बड़ नहीं लगा आपको? नहीं, कुछ तो है नहीं, एक पीछे पीछे रिवाइंड, अरे रिवाइंड हाँ पीछे एक मिनट हाँ प्ले. जैसे ही दरवाजा खुला किताब खुली, ये तुझे कुछ स्क्रिप्टेड है ये ओरिजिनल नहीं हो सकता, देख ना भाई जैसे दरवाजा खुला किताब खुल गई ये. अच्छा जो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है रैगिंग, जो कि शायद मैंने कॉलेज लिया था तो मेरे को भी पहले था कि भाई रैगिंग तो नहीं होती है. सो अच्छा मैं आपको कॉलेज बाकी कॉलेजेस का ऐसे कुछ कह नहीं सकता, बट थिंग्स आर एक्चुअली गुड, रैगिंग का ऐसे कोई ज्यादा इशू है नहीं. सो सो ये हमारे जूनियर्स का रूम, ये मेरे को लग रहा है वीडियो थोड़ी स्क्रिप्टेड थी. ग्रैंड डिसेक्शन ये भाई, इसको ना ब्लॉग में मजा आ गया, आज के समय लग रहा है मेरे को. सो ये एक्चुअली क्या सीन है कि इनका एक बंदा सो रहा था और इन्होंने मेरे को मतलब वीडियो मैंने शूट किया, फ्रेंड ने शूट किए.
सो इन्होंने बोला कि उनको जगा और उसका रिएक्शन ब्लॉग में आना चाहिए। अभी उठे हैं। अरे यार ये बहुत गलत किया भाई यार, मतलब तुम नींद का लेवल देख लो भाई का। क्लास आ जाना। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेट बॉय हॉस्टल। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो मेक श्योर हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओके टाटा बाय बाय, गुड नाइट।